हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोगों का स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज मैं खेल रही हूँ ग्रैनी चैप्टर 3 और आज मैं करने वाली हूँ ब्रिज स्केप, जिसको हम लोग डोर स्केप भी बोलते हैं। तो मैं क्या डोर स्केप और या फिर ब्रिज स्केप कर पाऊँगी या नहीं, तो ऑल आप लोगों को वीडियो के एंड में ही देखने को मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट, क्योंकि आज मेरा ये पहला दिन है और ये डोर जल्दी से ओपन भी नहीं होता है, क्या ही बोलूँ इसको मैं। तो फाइनली ओपन हो गया है और ग्रैनी ग्रैंडपा में से कोई आ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं नीचे चल के ये जो इसका भोंपू है वो पहले बजवाती हूँ, पता है कि ग्रैनी ग्रैंडपा सुन के नीचे आ जाए और मैं इसके अंदर छिप जाती हूँ, जिससे कि वो लोग डायरेक्ट नीचे जाए और मैं यहाँ से निकल के चली जाऊँ। किस्मत अच्छी रही तो मैं निकल पाऊँगी, नहीं तो फिर बुढ़े या बुढ़िया के हाथ से मर जाऊँगी। तो ग्रैनी तो आ गई है, अभी ग्रैंडपा भी। ओ वाह, दोनों लोग साथ में चले आए, वाह। मैं तो सोच रही थी कि अलग अलग ही आएंगे दोनों। तो फाइनली ये दोनों नीचे चले गए हैं और मैं चलती हूँ ऊपर अपनी खोज और तलाश में। तो मुझे चाहिए पहले वेपन की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिना वेपन के तो मैं कुछ कर पाऊँगी नहीं। तो यहाँ पे मुझे मिल गया एक्सीलरेटर, जो कि मुझे किसी काम का तो है नहीं, किचन में ही मुझे मिलना होगा तो मिलेगा वेपन की। तो इसमें चेक कर लेती हूँ पहले, कुछ नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। इसमें भी कुछ नहीं है, अरे भाई इसमें भी कुछ नहीं है, क्या बोलूँ। इन लोगों के घर में कुछ रहता भी है? कुछ नहीं है भाई, पूरे किचन में कुछ नहीं है, यहीं से मेरी बर्बादी शुरू। इसमें कुछ नहीं है भाई। ग्रैंडपा, अरे क्या, तो बची हूँ मैं, मुझे लगा मैं गई, लिटरली मुझे लगा मैं गई। ओके, तो यहाँ से निकलना ही मैं भलाई। ओ सरेंडरी ना, मुझे तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं है, सबसे बेकार तुम हो। तो ग्रैनी चली गई है नीचे और मैं चलती हूँ ऊपर, बस ग्रैंडपा ना आ रहा है फिर से। ग्रैंडपा नहीं, इसके कमरे में ही जाकर छुपती हूँ, बस उसने मुझे देखा ना यहाँ आते हुए। फाइनली ये आ गया, बुढ़ा सो गया लिटरली, बड़ा आलसी है। तो मैं यहाँ पे कर ली हूँ गन को रिलोड। हाँ, मैंने ग्रैंडपा को नहीं मारा, क्योंकि अभी मुझे उसको मारना नहीं था। तो पहले मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ कुछ है या नहीं, कोई नहीं है भाई। मैं डर गई थी, मुझे लगा यहाँ पे मुझे टेडी मिल जाएगा, क्योंकि मुझे सबसे पहले इस सेलेंडिना को भगाना है, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले टेडी ढूंढ लेती हूँ। अरे ग्रैनी, ओ भाई बच गई मैं, मुझे लगा मैं गई, जिस हिसाब से इस सन्ने से मेरे पीछे आई ना। बी ग्रैंडपा भी आ गया, नींद से अपनी जाग गया है। और ये मैं कर लेती हूँ गन को रिलोड, इसमें तो कुछ था नहीं। तो अभी मैं सारी जितने भी ड्रॉज हैं सब चेक करते हुए जाऊँगी, ताकि मुझे मिल जाए कुछ ना कुछ। इसमें तो कुछ वैसे भी नहीं रहता, बट यहाँ पे कभी कभी टैडी पड़ा होता है। तो आई थिंक मुझे इतनी जल्दी आसानी से तो टैडी मिलने वाला है नहीं। इसमें तो कुछ होगा, मैच बॉक्स, जो कि किसी काम का नहीं है भाई, क्या ही बोलूँ। इसका हुए कोई मानना पड़ेगा, पहले इसमें देख लेती कुछ है या नहीं। ओके, तो अभी मैं ऊपर जाती हूँ, पहले इस कौवे को टपकाती हूँ, शायद ही मुझे कुछ मिल जाए, कोई ढंग की चीज़ देना, वरना तुम देख लेना तुम्हारा बहुत होगा। सब मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहती हूँ, पर क्या करूँ, तुम भी तो ग्रैनी के लाडले ही हो, तुम्हें मारना तभी तो कुछ मेरा काम बनेगा, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ से मैं सेट की फेंक देती हूँ, यहाँ से मुझे थोड़ा सही लगा फेंकने में। और इस अपना गन मैं पहले सेफ्टी के लिए उठा लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं पहले जाऊँगी नीचे, अपने गन को रिलोड कर लूँगी, क्योंकि ग्रैनी ग्रैंडपा का कोई भरोसा नहीं है, वो कब कहाँ से चले आते हैं कुछ पता नहीं रहता है। तो मैं पहले अपनी गन को रिलोड कर लेती हूँ और बस कोई आ नहीं रहा हो, आगे पीछे कोई नहीं आता तो सुकून मिलता है। तो मैं चली आती हूँ नीचे, क्योंकि मुझे ऊपर कुछ मिला तो था नहीं, आप लोगों ने भी देखा ही था। तो मैं यहाँ पे ग्रैनी को पहले मार देती, क्योंकि ये मेरे सामने आ गई थी, तो मैंने सोचा ग्रैंडपा का भी वेट कर ही लेती हूँ। तो ग्रैंडपा भी आ गया था और यहाँ मैंने ग्रैनी ग्रैंडपा दोनों को ख़त्म कर दिया है और अपनी गन में एमो डाल ली है सेफ्टी के लिए। हालाँकि मुझे अभी नीचे जाना है, क्योंकि वो जो नीचे एक शीशे वाला रूम होता है ना, जो हम शीशे को फोड़ते हैं तो वहाँ से भी कुछ मिलता है। तो हमें कुछ मिले ना मिले, क्रोबार तो ज़रूरी मिल जाता है, क्योंकि क्रोबार आमतौर पर यहीं पे रहता है। तो मैंने इसको फोड़ दिया है और इसमें कुछ है, और ट्रेन की ये तो मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मुझे डोर स्केप करना है। तो क्रोबार से पहले मैं यहाँ का बॉक्स ओपन कर लेती हूँ। कोकोनट में शायद मुझे वेपन की मिल सकता है, आई थिंक सो। और वेपन की मिल जाए बट कॉइन भी मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है, ढंग की चीज़ मिल जाए बस, और क्या ही चाहिए। तो यहाँ से मैं अपना गन उठा लेती हूँ और इसको बजा करके मैं यहाँ से निकलती हूँ, जिससे कि ओ माय, मुझे यहाँ पे फ्यूज़ मिल गया भाई, वाह, किस्मत हो तो ऐसी, यहाँ पे भी सामान पड़े होते हैं, मुझे तो पहली बार पता चला। अपनी गन को भी उठा लेती हूँ और यहाँ पे ग्रैनी ग्रैंडपा आ नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा कि मुझे थोड़ी हिम्मत दिखा करके ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो मैं बिना डरे
चली आती हूँ ऊपर और मैं डायरेक्ट कार के पास जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है कि अगर एमो मुझे कहीं से मिलनी है तो यहीं पे मिलेगी। ओके, वेपन की यहाँ पे पड़ी हुई है तो बड़ी अच्छी बात है। सेलेंड्रीना, तुम क्यों मुझे जीने नहीं देती? तो चलो गाइस, ग्रैनी ग्रैंडपा वैसे भी आने से रहे, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे पहले मैं शेड की से ओपनिंग कर लेती हूँ और ग्रैनी ग्रैंडपा का इंतज़ार कर लेती हूँ। अरे अरे अरे, सेलेंड्रीना मरवाएगी ये मुझे। चलो, ग्रैनी को तो मैंने मार दिया है, ग्रैंडपा का इंतज़ार है। बस ग्रैंडपा भी आ गया है और हम ग्रैंडपा को भी टपका देंगे फटाफट से। और ये ग्रैंडपा भी निकल लिया, चलो जाओ। तो शेड की से मुझे मिल गया था टेडी, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले टेडी को ही ऊपर पहुँचा देती हूँ सेलेंड्रीना के पास, क्योंकि सेलेंड्रीना हमें बीच बीच में बहुत परेशान करती है। और इसको हम इसका टेडी वापस कर देते हैं, जिससे कि ये भी हमें कुछ दे सके। काम की चीज़ देना सेलेंड्रीना। अब पेडलॉक की, आई डोंट थिंक सो कि अभी मुझे पेडलॉक की का कोई ज़रूरत भी है। तो यहाँ मैंने शोर करके ग्रैनी को थोड़ा सा बुला लिया था, ताकि मैं जो पता चल जाए कि आखिर में ग्रैनी है कहाँ। और ये ग्रैनी आ भी गई थी, तो मुझे लगा कि अगर ये सीधे जाएगी तो मैं बाहर निकल जाऊँगी, इसीलिए मैंने ग्रैनी को बुला लिया। और एग्जैक्टली होता यही है। तो चलो, ग्रैनी चली गई है बाहर, और सीधे जा रही है, तो मैं बाहर निकल लेती हूँ। अरे नहीं ग्रैंडपा, दिस इज़ नॉट फेयर। तुम्हें ग्रैनी के पीछे पीछे घूमने में क्या मज़ा आता है भाई? तुमने मेरा पूरा काम बिगाड़ के रख दिया। चलो गाइस, तो यहाँ पे ग्रैंडपा ने मुझे मार दिया और ये मेरा डे टू स्टार्ट हो गया है। हालांकि क्या ही बोलूँ मैं, इतनी भी जल्दी मुझे दिखाना नहीं चाहिए था। ये ग्रैंडपा ना पीछे से, इसीलिए मुझे ग्रैंडपा ये पसंद नहीं है जो थप्पा मारता है। चलो, यहाँ से क्रोबारू डाल लेती हूँ, क्योंकि ऊपर भी एक बॉक्स रहता है, उसको भी ओपन करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको बजा दिया है और इसके अंदर चली जाती हूँ। ये दोनों बहुत लेजी हैं, बहुत धीरे धीरे आते हैं। तो ग्रैनी तो आ गई है गाइस, ग्रैंडपा का इंतज़ार है। ग्रैंडपा भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। इतना धीरे आता है भाई, ओ हो, ग्रैनी ने देख लिया मुझे। सब ये ग्रैंडपा की वजह से होता है, ये बहुत आलसी है। एक काम करती हूँ, अभी तो मुझे क्रोबार का कोई काम है नहीं, तो मैं बाहर पहले जा कर के ये वेपन की उठा लेती हूँ, क्योंकि ग्रैंडपा ने गन भी मेरी ले लिया है और मैं बिल्कुल निहत्ती हूँ। मेरे पास कोई भी वेपन नहीं है, तो अभी मुझे फ़िलहाल तो स्लिंग शॉट चाहिए, जिससे कि मैं ग्रैनी या ग्रैंडपा को मार सकूँ, क्योंकि ये दोनों बहुत टॉर्चर करते हैं मुझे। मुझे क्या, सबको करते हैं ये दोनों। तो मैं बिल्कुल बिना डरे अपने पूरी हिम्मत के साथ ग्रैंडपा के रूम में घुस जाऊँगी, क्योंकि अभी ग्रैंडपा नीचे है ना, तो मे बी वो अभी ऊपर आया नहीं होगा। और क्योंकि मैंने उन लोगों को थोड़ा उलझा दिया था, तो शायद मुझे जाने में भी ईजी होगा। तो ये डोर पहले क्लोज़ कर देती हूँ। ओके, तो मुझे स्लिंग शॉट मिल गया है। और अब ग्रैनी ग्रैंडपा, तुम कहीं से भी आ जाओ, तुम लोगों की तो छुट्टी कर दूँगी मैं। तो गाइज़, मैंने यहाँ पे ग्रैनी ग्रैंडपा को मार दिया था, और वैसे भी मेरा टाइम वेस्ट होता, वीडियो भी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने आप लोगों को वो सीन नहीं दिखाया। और मैंने ग्रैंडपा से गन भी ले लिया था, तो यहाँ मैंने ग्रैनी को टपका दिया है और ग्रैंडपा भी आ गया है। नहीं आया, अच्छा आ गया है। तो चलो, ग्रैंडपा को भी मार देते हैं। अरे भाई, कैसे कैसे ग्रैंडपा को तो स्वर्ग पहुँचाते पहुँचाते अभी मैं पहुँच जाती। यहाँ पे ग्रैनी और ग्रैंडपा को मैंने मार करके ये प्लैंक ले आई हूँ, और अब बस मुझे जाना है। यहाँ पे कुछ ढंग की चीज़ मिल जाता तो मेरा काम बच जाता। ओ वाह वाह, ब्रिज क्रैंक मिल गया भाई, दिस इज़ वेरी कूल। मुझे यहाँ पे ब्रिज क्रैंक मिल गया है, तो बस अब मुझे ज़रूरत है जनरेटर की। तो यहाँ पे मैं यहाँ से कोकोनट उठा लेती हूँ और इसको डायरेक्ट बाहर लेके चलती हूँ। इसमें से कुछ ढंग की चीज़ मुझे मिल जाती ना, तो मेरा काम बन जाता लिटरली। अभी मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए, बाकी मेरे दो चीज़ मुझे मिल गई है, फ्यूज़ भी मिल गया है और ब्रिज क्रैंक भी मिल गया है। सेफ की तो बाथरूम में होता है ना, तो चलो बाथरूम में ही चलते हैं। और ये गजब गजब घर बना के रखी है ये ग्रैनी अपना, काफ़ी पैसे वाली है वैसे। चलो, तो बाथरूम में चलते हैं, और यहीं पर सेफ की है, तो बस यहाँ पर कोई आए ना। ओके, तो जनरेटर केबल भी मुझे मिल गया है, वेरी नाइस। अब मेरा स्केप ईजली हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि पहले अपने काम संपन्न करने से पहले मैं यहाँ पे एक बार ग्रैनी और ग्रैंडपा को अपनी सेफ्टी के लिए पहले थोड़ा सा टपका देती हूँ, थोड़ा सा नहीं पूरा ही टपका देती हूँ। तो यहाँ पे लग अच्छा था, ग्रैनी ग्रैंडपा दोनों साथ में आ गए थे, तो मैंने सोचा कि ठीक है पहले ब्रिज क्रैंक लगा देते हैं और ले कर चलती हूँ। पत्थर वत्थर भी इकट्ठा कर ही लेती हूँ, क्योंकि ये भी तो ज़रूरी काम है। ये मैंने लगा दिया है ब्रिज क्रैंक, और ये हमारा जो ब्रिज है वो नीचे गिर चुका है। ब्रिज भी है, वो लकड़ी का पल्ला लगा के रखा है इन लोगों ने।
हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे चलती हूँ, जनरेटर केबल को भी लगा ही देती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है, तो शायद ग्रैनी ग्रैंडपा भी ज़िंदा नहीं हुए होंगे। कहाँ से बटन इसका बजता है भाई, पता वता मुझे ज़्यादा रहता नहीं है। तो ग्रैनी ग्रैंडपा तो चले गए थे बाहर, तो मुझे लगा कि ठीक है उन लोगों के आने से पहले मैं शायद अपना फ्यूज़ उठा के ले आ सकती हूँ। बस अब वो लोग मुझे रास्ते में कहीं मिले ना। क्योंकि अगर ये लोग मुझे बाहर ही मिल गए ना, बस ऊपर कोई ना हो, कोई ना हो, ऊपर कोई ना हो गाइस। ओके, अरे अरे कौन सा रूम रहता है भाई इन लोगों के घर में, तो मैं भूल भी जाती हूँ, यहाँ लगेगा ना। ओके, बटन भी प्रेस कर दिया और ये मेरा डोर ओपन हो गया है। कहाँ जाऊँ, कहाँ से रूम है भाई, ये लोग इधर से ही जाना पड़ेगा। इसका घर इतना भूतिया है ना, भूल भुलैया है, भूतिया तो है ही भूल भुलैया भी है। तो ग्रैनी ग्रैंडपा मुझे यहाँ कहीं दिख तो रहे नहीं थे, तो मैंने सोचा कि इधर से ही जाना सेफ रहेगा। तो मैं निकल आती हूँ नीचे और अपना स्लिंग शॉट उठाती हूँ और जाऊँगी अब डायरेक्ट बाहर, बस यहाँ कोई हो ना। मुझे करने हैं स्टोन इकट्ठा और मैं ग्रैनी ग्रैंडपा को बेरहमी से मारूंगी, क्योंकि ये लोग भी मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। तो यहाँ पर मैं पत्थर इकट्ठा कर लेती हूँ और चलती हूँ डायरेक्ट मैं ब्रिज पे। यहाँ पे थोड़ा सा शोर करके ग्रैनी को पहले बुलाती हूँ। अरे वाह, ग्रैनी तो पहले ही आ रही थी। तो गाइस यहाँ पे मैंने ग्रैनी को बुला लिया है। अरे 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 अरे, ये क्या, ये क्या स्केटिंग स्केटिंग कर रही है क्या, ये सच में भूत है ये। ओ भाई क्या, ये तो ग्रैनी की हाल हुई है। वाह, तुम्हें लगा मैं तुम्हारे घर से बाहर नहीं निकल पाऊँगी, अब अपने ग्रैंडपा को भी जल्दी से बुलाओ। कमान ग्रैंडपा जल्दी आओ, बेचारा बुढ़ा बिना गन का कैसा लग रहा है, देख लिया इसने मुझे। और ये ग्रैंडपा को भी पट से हेडशॉट। तो ग्रैंडपा भी चला गया है गाइज, और ये मेरा यहाँ पे डोर और ब्रिज जो भी बोलो आप, मैंने ये स्किप कर लिया है। और अगर आप लोगों को भी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।